Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are very common, easy and interesting sentences which we use in our conversation. इसी प्रकार के sentences के लिए यदि आप interested हैं तो please subscribe कीजिए पंकज Institute of English तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा like और share करिए. Let's start our first sentence. You can achieve anything. जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने में हेजिटेट होता है, संकोच करता है, सोचता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो उसको उत्साहित करने के लिए, इनकरेज करने के लिए अक्सर हम ये बोलते हैं, यू कैन अचीव एनीथिंग. आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आप कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं या कुछ भी चीज हासिल कर सकते हैं. सो यू लेट्स स्टार्ट, शुरू करिए. Children are at home. When we were met in the market, जब हम बाजार में उनसे मिले और हम केवल अकेले थे, तो जनरल से उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि बच्चे कहाँ हैं. तो हम लोगों ने बताया कि बच्चे घर पर हैं. बच्चे घर पर हैं, इसको बोलेंगे Children are at home. Children are at home. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए आप किसी स्कूल में पहुंचते हैं और बोलते हैं अब स्कूल में बच्चे क्यों नहीं हैं, तो आप बता सकते हैं कि टुडे इज हॉलीडे सो चिल्ड्रन आर एट होम. आज छुट्टी है इसलिए बच्चे घर पे हैं. स्टेट्स एंड कैपिटल. स्टेट्स एंड कैपिटल, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इन लोअर क्लासेस. तो जब कभी हम किसी को बताना चाहते हैं कि इस राज्य की राजधानी ये है, तो हम इस प्रकार से सेंटेंस यूज करते हैं. जैसे मान लीजिए हमको कहना है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. कैपिटल, कैपिटल मतलब राजधानी भी होता है, और कैपिटल एक होमोनिम्स है. इसका एक और अर्थ होता है, कैपिटल मतलब पूंजी भी होता है, और कैपिटल लेटर भी होते हैं. तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे कैपिटल का मतलब राजधानी से है, दिल्ली भारत की राजधानी है. कई बार ऐसा बोलते हैं कि आज स्ट्राइक है, टुडे इज स्ट्राइक, आज किसी चीज की हड़ताल है, और फिर भी हम बताना चाहते हैं कि आज मैं वहां मार्केट में गया तो मैंने देखा कि ऑल शॉप्स आर ओपन टुडे. मतलब स्ट्राइक के बावजूद भी आज सभी दुकानें खुली हैं. तो आज सभी दुकानें खुली हैं, इसको बोलेंगे ऑल शॉप्स आर ओपन टुडे. आज सभी दुकानें खुली हैं. जो हमारा डे होता है उसके कई पार्ट होते हैं, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नून हो गया. तो यदि आप बताना चाहते हैं, किसी घटना के बारे में बताना चाहते हैं, बताते हैं, बताना कहना चाहते हैं कि दोपहर का समय था, तो दोपहर का समय था, इसको बोलेंगे इट वॉज मिड डे. इट वॉज मिड डे यानी दोपहर का समय था. इसी क्रम में यदि आप कोई भी इवेंट्स को, कोई भी घटना को रात में बताना चाहते हैं कि आधी रात का समय था, आधी रात का समय था, तो इसको बोलेंगे इट वॉज मिड नाइट. इट वॉज मिड नाइट यानी मिड डे, मिड नाइट, आधी रात और आधे दिन के लिए हम यूज कर सकते हैं. Nowadays there are many hawkers who comes home to home. कई hawkers होते हैं और वो घर आकर के सामान बेचते हैं. तो इसी प्रकार से एक green grocer यानी सब्जी वाला था, वो सब्जी बेच रहा था, और यदि हम उससे पूछना चाहते हैं कि पत्ता गोभी का क्या दाम है या पत्ता गोभी कितने की मिलती है, तो हम इसको बोलेंगे what is the cost of cabbage. What is the cost of केबेज. केबेज मतलब पत्ता गोभी. यहाँ पे आप कोई भी वेजिटेबल का नाम रख करके और इंग्लिश में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पोटैटो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टोमेटो, इन दिस वे. और जब मैं घर में कई दिनों नहीं था और जब मैं वापस आया, तो जो मेरे शुभचिंतक थे, फ्रेंड थे, सभी लोग ही पूछने लगे वेयर हैड यू गोन. वेयर हैड यू गोन मतलब आप कहाँ गए थे. We have not seen you for many days. तो आप where had you gone? आप कहाँ गए थे? इसको बोलेंगे आप कहाँ गए थे? Where had you gone? और जब
गेम्स स्पोर्ट्स एक्टिविटी किसी चीज की बात आती है और आप कहते हैं कि मैं भी दौड़ सकता हूं, और यदि आपसे कोई पूछना चाहता है कि आप कितना तेज दौड़ सकते हैं, कि आप कितना तेज दौड़ सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हाउ फास्ट कैन यू रन, हाउ फास्ट कैन यू रन। और जब विलेज में सोर्सेज ऑफ वाटर यानी पानी की स्रोत की बात चल रही थी, तो कई लोगों ने बताया कि मेरे यहाँ वाटर ऑफ सोर्सेज वेल है, कुआं है, किसी ने बताया बोर है, बोर वेल है, किसी ने बताया सप्लाई वाला वाटर है। लेकिन एक जो लड़का गांव से रिलेटेड था, उसने कहा कि मेरे गांव में एक नदी है, और नदी है तो सभी लोग ये पूछना चाहते थे कि नदी कितनी चौड़ी है। उसने पहले ऑलरेडी बताया कि नदी बहुत गहरी है, तो हम लोग पूछना चाहते थे कि नदी कितनी चौड़ी है, तो इसको बोलेंगे हाउ वाइड इज द रिवर, हाउ वाइड इज द रिवर, नदी कितनी चौड़ी है। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेस। यदि आपके पास इसी प्रकार के सेंटेंसेस हैं, तो आप कहीं पे भी किसी से भी कुछ भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। यदि आप भी इसी प्रकार के इंटरेस्टेड हैं सेंटेंसेस से, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुँच सकें। आप भी इन सेंटेंसेस को पढ़कर, बार बार पढ़कर, बार बार सुनकर या लिख करके स्वयं प्रैक्टिस कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनसे इस बारे में चर्चा कीजिए, और आप भी आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। इसी प्रकार के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।